प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान और उनके परिवार के साथ सरकार द्वारा बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह एक सांसद हैं, क्या वह गाय बकरी किताबें चुराएंगे। आपको बता दें कि आजम खान और उनके परिवार पर रामपुर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 मार्च तक जेल भेजा है। आइए सुनाते हैं शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा। आतंकी जैसा प्रयोग, तो देखिए बदले की भावना से छोटे छोटे मुकदमे लिख दिए गए, झूठे मुकदमे। आज हम क्या गाय चुराएंगे, क्या बकरी चुराएंगे, क्या किताबें चुराएंगे, तो इस तरीके के जो मुकदमे लिखे गए हैं बदले की भावना से लिखे गए। और फिर देखिए उनकी पत्नी सांसद रही, आजम खान सांसद हैं, अभी उनकी पत्नी MLA भी हैं, और फिर पहले तो जेल में डाला, जेल में रामपुर में जेल थी, अब डाल दिया जा करके केवल सीता पर उत्पीड़न करने के लिए। अब देखिए परसों जेल में रात में आए और कल फिर ले गए, फिर रात में लौट के, उत्पीड़न है। जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, MLA हैं, सांसद रहे हैं, पूर्व MLA हैं, तो देखिए बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। आखिर वो भी एक जिम्मेदार मंत्री के पद पर रहे, एक बार नहीं कई बार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार का कहना है कि उनको तो उनके कर्मों की सजा मिलेगी, तो जो कर्म अभी हो रहे हैं फिर कभी और दूसरों को भी मिलेगी, जो कर रहे हैं तो उन्हें भी मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।